कांदिवली पुलिस स्टेशन की हद लालजीपाड़ा में हुई फायरिंग मामले में आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। महज 24 घंटे के अंदर मुंबई की कांदिवली पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। दरअसल आरोपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है, जिसका नाम है रोहित पाल। वह एक क्रिमिनल माइंडेड आरोपी है, लेकिन उसने हत्या क्यों की इस पर मुंबई की कांदिवली पुलिस लगातार जाँच कर रही है। जिस तरह से कल सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मनोज सिंह चौहान नामक व्यक्ति के ऊपर रोहित पाल ने दो फायर किया, जिसमें एक फायरिंग जो है मिस हो गई, लेकिन दूसरी बुलेट उनके कनपट्टी पर लगी और सीधे दिमाग में जाके लगी। मुंबई की पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच करने लगी। जांच में यह पाया कि सीसीटीवी में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से आरोपी हत्या करने के बाद पैदल भागते हुए नजर आया, जिसमें यह जानकारी मिली कि मुंबई की कुर्ला रेलवे स्टेशन पर 12:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ा और यूपी के लिए फरार हो गया। पुलिस लगातार आगे पीछे रही, लेकिन पुलिस को जब यह जानकारी मिली तब तक आरोपी ट्रेन पकड़ चुका था। फिलहाल मुंबई कांदिवली पुलिस स्टेशन के API भी से लगातार आरोपी के पीछा करते रहे और आखिरकार आज सुबह यानी कि सोमवार की सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से तमाम खुलासे सामने आए। अब पुलिस यह देख रही थी कि आखिरकार हत्या का कारण क्या है, क्योंकि हमने मनोज सिंह चौहान के मामा से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, गांव में कोई दुश्मनी नहीं है, रोहित पाल नामक कोई व्यक्ति आसपास के गाँव में नहीं रहता है, तो आखिरकार हत्यारा कौन है। जानकारी यह मिली कि रोहित नामक जो शख्स है, आरोपी है, वह उत्तर प्रदेश से ही प्लान करके मुंबई में आया था और उसका जो टारगेट ही था कि मनोज को गोली मारना और यहाँ मुंबई से फरार हो जाना। इस बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि रोहित गांव से ही हथियार लाया था और बकायदे देसी पिस्टल लाया था, जिसमें 2 राउंड फायर की, जो CCTV फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भीड़ के अंदर भी रोहित ने 2 फायर किया, जिसमें 1 फायर मिस हो गया, दूसरी गोली मनोज के कनपट्टी में लगी। रोहित मृतक के मामा ने बताया कि मनोज के परिवार में उनका 2 बच्चा है, एक बेटी और बेटा है जो 4-5 साल के हैं, और पत्नी गांव में रहती है। मनोज को भी गांव जाना था, जो जिनका 2 जून को टिकट था, लेकिन गांव जाने से पहले उनकी हत्या का कारण क्या हो सकता इस पर भी संशय बरकरार है। फिलहाल पुलिस की जाँच सूत्रों से यह पता लगा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें आरोपी जो है मनोज की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग करता था, यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि मोबाइल लोकेशन के जरिए यह जानकारी मिल रही है, लेकिन मुंबई पुलिस इस पर स्पष्ट अभी नहीं बोल रही है। लेकिन जिस तरह से महज 24 घंटे के अंदर कांदिवली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, इस पूरे मामले में कहीं कहीं मुंबई कांदिवली पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या के बाद फरार आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार मुंबई की कांदिवली पुलिस 6 टीम के साथ काम कर रही थी, जिसमें नॉर्थ रीजन की पुलिस डिटेक्शन टीम को लगाया गया था। पूरी टीम लगातार जांच करते हुए पाया कि आरोपी जो है क्रिमिनल माइंडेड है, क्योंकि जिस अंदाज में उसने गोली मारा हुआ कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। फिलहाल आरोपी को मुंबई लाया जा रहा है, लेकिन जानकारी यह है कि अगर फ्लाइट से लाया जाता है तो आज शाम तक आरोपी मुंबई पहुंच जाएगा, जिससे कल जो है बाकायदे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में जो है क्राइम ब्रांच या मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि गोली मारकर फरार होने वाला शख्स कोई आम नहीं बल्कि एक क्रिमिनल माइंडेड था। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने और निकल कर आता है यह बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन हत्या करने के बाद आरोपी ने हथियार कहां फेंका यह भी संशय बरकरार है। कुछ लोगों का मानना है कि उसने
अथर्वा कॉलेज के पास बने नाले में हथियार फेंक दिया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि और क्या क्या जानकारियां बाहर निकल कर आती है, कि क्योंकि ये जो हत्यारा है वह उत्तर प्रदेश से किस प्लानिंग के तहत किस तरह से हथियार लेकर मुंबई आया और हत्या के बाद वापस उत्तर प्रदेश फरार हो गया।